और बच्चों क्या चल रहा है, कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चे, पढ़ते रहिए और पढ़ते रहना चाहिए ना। धीरे धीरे आप चीज़ें जब पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आती है और चीज़ें लगभग सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो जाती है, तो कोई बात नहीं पढ़ते रहिए। देखिए जीवन में ना एक मेहनत करने की लत रखी कि भैया कोई भी चीज़ है अपना बेस्ट करेंगे और ज़बरदस्त तरीके से करेंगे, और मतलब किसी मतलब देखो डिस्ट्रैक्शन तो बहुत है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन किसी भी डिस्ट्रैक्शन में कोशिश करना है कि भाई नहीं फंसना, चाहे किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन क्यों ना हो, कोशिश आप लोगों ने ये करना है बच्चे कि भाई किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन से फंसना नहीं है, आप ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, है ना। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, कौन सा आपके पास यानी कि जो आज का टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चे, तो आप लोगों ने देखा ही होगा आपके पास यानी कि बायो मॉलिक्यूल्स, है ना, बायो मॉलिक्यूल्स। मेरे प्यारे बच्चे इसमें दो टर्म है, एक आपके पास यानी कि बायो है, क्या है मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि बायो का मतलब क्या होता है बच्चे आपके पास यानी कि लाइफ, ठीक है ना, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे लाइफ, और मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है आपके पास यानी कि हम लोग मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो मॉलिक्यूल्स मतलब बच्चे आपके पास यानी कि नॉन लिविंग, जो आपके पास यानी कि एटम्स होते हैं जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन, तो ये हमारे पास क्या है बच्चे आपके पास यानी कि एटम्स हैं, और इन्हीं एटम्स से आपके पास कि हम लोग ये बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि ये जो हमारे पास यानी कि एटम्स हैं, क्या है मेरे प्यारे बच्चे एटम्स, तो एटम्स का मतलब आपके पास जैसे कार्बन है मेरे पास, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, तो ये सब क्या है हमारे पास बच्चे आपके पास यानी कि एटम है, और इन्हीं एटम से आपके पास यानी कि क्या बनता है मॉलिक्यूल बनता है, क्या बनता है मॉलिक्यूल बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चे बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर लगभग आप लोगों को पढ़ना क्या है जनरली, देखिए बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर सबसे पहला जो आप लोगों को पढ़ना होता है मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में, किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स, तो सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि लिपिड मतलब फैट्स एंड लिपिड्स, तो आप लोग आपके पास फैट्स एंड लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि एक्चुअल में ये होता कैसे बनता कैसे, फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, और न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ने के बाद मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि आप लोग एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में, तो लगभग जो मेजर आपके पास बच्चे आपके पास यानी कि कैटेगरीज है वो आपके पास यानी कि ये है, और इसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या आपके पास यानी कि पहले तीन, कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट फैट्स लिपिड्स और प्रोटीन्स, क्योंकि अगर आपको ये समझ में मतलब ये तीन अगर आप लोगों को बच्चे आ जाता है ना, ये तीन अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो मतलब इसको समझना बड़ा आसान होता है, क्यों, क्योंकि बेसिकली बच्चे कार्बोहाइड्रेट फैट लिपिड्स और प्रोटीन से ही बेसिकली न्यूक्लिक एसिड आरएनए या डीएनए का फॉर्मेशन होता है, एंजाइम का फॉर्मेशन प्रोटीन से ही होता है, तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे तीन बेसिक होता है कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, समझ पा रहे हैं। चलिए सबसे पहले आज कार्बोहाइड्रेट देखते हैं, ठीक है, आइए मेरे प्यारे बच्चे समझिए, मैंने प्यारे बच्चे आपसे कहा कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स है ना, क्या मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स मेरे प्यारे बच्चे जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर सबसे पहला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, और यहाँ पे पॉइंट वाइज मैं लिखाने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोग कोशिश करें कि नोट डाउन करें क्योंकि उसी में से क्वेश्चंस होगा, समझिए मेरे प्यारे बच्चे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सबसे पहले आपके पास यानी कि इट इज मेड अप ऑफ, इट इज कंपोज्ड या मेड अप ऑफ या कंसिस्ट ऑफ, कार्बोहाइड्रेट में जनरली आपको क्या देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे, कार्बन, क्या देखने को मिलेगा कार्बन, और क्या देखने को मिलेगा हाइड्रोजन, क्या देखने को मिलेगा हाइड्रोजन, एंड मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि ऑक्सीजन, समझ पा रहे, तो कार्बोहाइड्रेट्स में मेरे प्यारे बच्चे आपको जो देखने को मिलता है वो आपके पास तीन एटम है, पहला कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन। दूसरा पॉइंट समझिए मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपसे कहा बच्चे आपके पास यानी कि इट हैज, आप ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग बोलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मेरे प्यारे बच्चे हम लोग बोलते हैं कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। अब समझिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, इट हैज
हाइड्रोजन इट हैज H2O एज इक्विवेलेंट इन एटम ऑफ कार्बन। इसका मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूं मेरे प्यारे बच्चे। हम लोग बोलते हैं, आप एक चीज मुझे बताइए बच्चे, ये जो आप लोग वाटर देखते हैं, क्या देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे? वाटर। इस वाटर में बच्चे आपको दो आपके पास यानी कि क्या दिखता है? हाइड्रोजन दिखता है, और एक आपके पास क्या दिखता है मेरे प्यारे बच्चे? आपके पास यानी कि ऑक्सीजन दिखता है। तो मेरे प्यारे बच्चे होता है क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इस कार्बोहाइड्रेट में ये देखा जाता है मेरे प्यारे बच्चे कि कोई भी आपके पास यानी कि कार्बन होगा ना, कोई भी आपके पास अगर कार्बन होगा तो उस कार्बन के अंदर आपके पास यानी कि हो सकता है कि अगर, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट पढ़े तो OH आप जरूर पढ़ेंगे, OH आप जरूर पढ़ेंगे, और उसके बाद यहाँ पर क्या आपके पास यानी कि अटैच होगा आपके पास यानी कि हाइड्रोजन। तो मतलब कोई भी जो मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि कार्बन एटम होता है ना, उस कार्बन एटम के अंदर जितना हाइड्रोजन वाटर के अंदर होता है, जितना ऑक्सीजन वाटर के अंदर होता है, उतना इक्विवेलेंट आपके पास यानी कि हाइड्रोजन और आपके पास ऑक्सीजन एक कार्बन से अटैच होता है। तो ये याद रखने वाली चीज होती है, समझ पा रहे? तो इसका मतलब इक्विवेलेंट का मतलब क्या कि ईच एटम ऑफ कार्बन, क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट आगे हम लोग बच्चे आपके पास यानी कि बात करेंगे कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर मेरे प्यारे बच्चे ईच कार्बन एटम, जो भी आपके पास कार्बन एटम होगा, उस कार्बन एटम के अंदर एक आपके पास OH ग्रुप और दूसरा आपके पास यानी कि हाइड्रोजन। तो कहने का मतलब आपके पास यानी कि दो हाइड्रोजन तो है यहाँ पे और एक ऑक्सीजन होता है, तो ये इक्विवेलेंट होता है, समझ पा रहे? तीसरा वर्ड प्यारे बच्चे आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं आपके पास, इट इज अ हाइड्रेट ऑफ। हाइड्रेट किसका होता है मेरे प्यारे बच्चे? आपके पास CH2 का, समझ पा रहे? हाइड्रेट ऑफ CH2 मेरे प्यारे बच्चे, किसी भी आपके पास यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होगा, उस कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रेट क्या है, मतलब कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा और O होगा। तो कहने का मतलब एक कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ये हाइड्रेट होता है किसका आपके पास, यानी कि अगर हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट में, तो मतलब क्या आपके पास, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर मेनली क्या देखा जाता है आपके पास, ये H2O ग्रुप, समझ पा रहे? हाइड्रेट, तो मतलब ये बेसिकली हाइड्रेट होते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अब समझिए तीसरा पॉइंट। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे तीसरा पॉइंट में आप, चौथा पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं आपके पास यानी कि जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला जो होता है किसी भी कार्बोहाइड्रेट का मेरे प्यारे बच्चे, CN H2N और O आपके पास यानी कि N, तो किसी भी कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला रहता है बच्चे वो ये रहता है, मतलब इसके पास आपके पास यानी कि कार्बन यानी कि एक एन होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पर मेरे प्यारे बच्चे मैं ऐसे लिखता हूँ, क्योंकि एन बेसिकली क्या आपके पास यानी कि नंबर है, एन इज आपके पास यानी कि नंबर। तो यहाँ पे बेसिकली स्टार्ट करना 3 से, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, इस तरीके से 100 लेना है, 3 से कम मत लेना, ठीक है? क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट में काउंट नहीं होगा, इसकी वजह से मैं बता रहा हूँ। क्योंकि बच्चे हम लोग जब कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो ग्लाइसर एल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन्स, टेट्रोस, मतलब आपके पास यानी कि टेट्रा वाला, पेंटा वाला, पेंटोस सुगर की बात करते हैं आप लोग, हिक्सोस सुगर की बात करते हैं, तो आप लोग कोशिश करेंगे बच्चे आपके पास यानी कि 3 से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? 3 से स्टार्ट करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे आपके पास यानी कि 3 लिया, तो 3 आपके पास यानी कि H आपके पास कितना हो जाएगा, 2 × के अंदर आपके पास 3, और O कितना हो जाएगा आपके पास 3। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे ये आपके पास किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा आपके पास यानी कि 3, H आपके पास कितना हो जाएगा 6 और O कितना हो जाएगा आपके पास यानी कि 3, समझ पा रहे? इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि 4, ये कितना हो जाएगा 8, ऑक्सीजन कितना हो गया 4, ये कितना हो जाएगा 5, H कितना हो जाएगा आपके पास 10, O कितना हो जाएगा 5, समझ पा रहे? C कितना हो जाएगा 6, H कितना हो जाएगा 12, O कितना हो जाएगा 6, इस तरीके से, समझ पा रहे हैं बच्चे? तो कहने का मतलब किसी भी कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला होता है ना बच्चे, वो आपके पास यानी कि ये रहता है। तो ये जनरल फॉर्मूला है, एन की वैल्यू आप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रख सकते हैं, आप जो मन करता है रखिए। अच्छा एक चीज और देखिए, अगला पॉइंट मेरे प्यारे बच्चे ये भी याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर यानी कि इट पॉजेस मोर
मोर अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहलिक अल्कोहलिक ग्रुप। इसके अंदर होता है क्या है बच्चे, OH का ग्रुप ज्यादा होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट है तो OH का ग्रुप आपके पास यानी कि ज्यादा हो, यानी कि पॉजेस मोर देन आपके पास, यानी कि टू आपके पास, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पर OH का ग्रुप आपके पास बच्चे ज्यादा होता है, मतलब दो या दो से ज्यादा हो सकता है आपके पास अटैच टू आपके पास, यानी कि सेम कार्बन। तो यहाँ पर आपके पास हो सकता है। अगला पॉइंट, एक पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चे, वो जरूर याद रखे, मैं इसे मिटाता हूँ, है ना, आप समझना इस तरीके से मैं क्या बताना चाहता हूँ कि भाई कभी भी जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करते हैं बच्चे, तो हम ये कहते हैं कि भाई ठीक है आपके पास, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने बच्चे आपसे कहा कि ठीक है मेरे पास आपके पास, अगर मान लीजिए कि भाई मैं पांच लेता हूं या तीन से स्टार्ट करते हैं, ऑल कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट हैज, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे सभी कार्बोहाइड्रेट्स के पास OH ग्रुप होंगे, ऑल कार्बोहाइड्रेट्स हैज OH ग्रुप अटैच टू, मान लीजिए मिनिमम छह वाला लेते हैं आपके पास, यानी कि फाइव कार्बन, बट वन कार्बन एक्सेप्ट, यहां पे एक्सेप्ट लिखूंगा, एक्सेप्ट वन कार्बन। अगर मान लीजिए ग्लूकोज होगा तो ग्लूकोज के पांच कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ होगा, लेकिन एक कार्बन पर OH ग्रुप नहीं होगा। वो कार्बन आइदर आपके पास, यानी कि आगे चले, वो कार्बन एक्सेप्ट वन, इसका मतलब ही समझना होगा एक्सेप्ट वन। अब एक्सेप्ट वन का मतलब क्या हो गया कि या तो आपके पास उस कार्बन पर पहला मेरे प्यारे बच्चे एल्डिहाइड होगा, क्या होगा एल्डिहाइड, यहां पर आपके पास यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप होगा, क्या होगा एल्डिहाइड ग्रुप, या तो यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप होगा या तो मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा आपके पास यानी कि कीटोन। तो आपको यह ध्यान रखना है, तो या तो एल्डिहाइड या तो क्या होगा कीटोन, समझते हैं इसको, थोड़ा सा आप लोगों को समझाता हूं, ठीक है, नोट करते रहना है ना, नोट करते रहोगे तो आपके लिए नोट्स प्रॉपर तैयार हो जाएगा, तो आप लोगों से क्वेश्चन जब पूछेगा तो कर पाओगे। देखिए आगे मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपसे कहा इसको समझते हैं, मैंने कहा आपके पास यानी कि अगर ग्लूकोज है, इफ इट इज ग्लूकोज, अगर मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चे कि अगर ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के अंदर मेरे प्यारे बच्चे होता है क्या आपके पास, यानी कि हैविंग कितने कार्बन होते हैं आपके पास, यानी कि हैविंग सिक्स कार्बन, छह कार्बन होते हैं, इन विच फाइव कार्बन हैज OH ग्रुप, बट वन कार्बन, एक कार्बन के पास क्या होगा आपके पास, यानी कि या तो क्या होगा आपके पास, पहला मैंने बच्चे बोला आपसे कि या तो इसके पास एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड का मतलब बच्चे आपके पास यानी कि CH होगा, या तो मेरे प्यारे बच्चे मैंने आपसे कहा आपके पास यानी कि कीटोन होगा, क्या होगा आपके पास यानी कि कीटोन होगा, है ना, आपके पास यानी कि क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे कीटोन होगा, समझ पा रहे हैं। अब देखो आप लोग को अभी याद आएगा, याद करो मेरे प्यारे बच्चे, जब मैंने आप लोग को बेसिकली यहाँ पे आपके पास यानी कि कीटोन, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग, मैंने कहा कि आपके पास मान लीजिए कि मेरे पास एक कार्बन है OH, यहाँ पे आपके पास यानी कि हाइड्रोजन जोड़ा, फिर आपके पास कार्बन OH हाइड्रोजन और आपके पास यानी कि हाइड्रोजन, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि कार्बन, और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे मैंने आपसे कहा कि भाई ठीक है मेरे पास आपके पास यानी कि O और आपके पास यानी कि H, अब यहाँ पे ये है। तो मेरे प्यारे बच्चे आप ये जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ना आपके पास, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर्स है हमारे पास, ये जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपके पास यानी कि ग्लाइसर एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे ग्लाइसर एल्डिहाइड, है ना, और इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चे होता है क्या आपके पास यानी कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, के बारे में सुना होगा, ऑफकोर्स मैंने पढ़ाया था किसमें, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, है ना, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर्स में। तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें क्या होता है आपके पास यानी कि सी ओ एच
यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पे सी और यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे सी, यहाँ पर आपके पास एच, यहाँ पे OH, चलो OH यहाँ पे लगा दो, है ना, यहाँ पर आपके पास H लगा दो और यहाँ पर आपके पास यानी कि H लगा दो। तो यहाँ पर बच्चे आप ये देख रहे हैं, ये वाला जो ग्रुप है ना मेरे प्यारे बच्चे, ये वाला, ये क्या आपके पास कीटोन है, और यहाँ पे कौन, ये वाला क्या आपके पास यानी कि एल्डिहाइड, क्या है एल्डिहाइड, और ये वाला क्या दिखाई दे रहा है आपके पास कीटोन, और इसका नाम क्या था वहां पर, मतलब वहां पर हम लोगों ने बोला था कि ये आपके पास यानी कि डाई हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी एसीटोन एसीटोन है ना, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन पढ़ाया था मैंने, ऑफकोर्स पढ़ाया था, मना नहीं कर सकते भाई बहन, है ना, जब आपके पास यानी कि हम लोगों ने आपके पास यानी कि फ्रुक्टोज 1.6 आपके पास यानी कि 20 फॉस्फेट को ब्रेक किया था तो क्या हुआ था, ग्लाइसर एल्डिहाइड और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे ट्रायोज के नाम से जाना जाता है। ट्रायोज क्यों, क्योंकि तीन कार्बन है ना, एक दो तीन, एक दो तीन। अब सवाल ये आता है कि ठीक है पांच कार्बन पर OH ग्रुप होगा तो छठे कार्बन पर ऐसा क्यों होता है, अगर छठे कार्बन पर ये नहीं होगा ना बच्चे तो ध्यान रखना पॉलीसेक्राइड का फॉर्मेशन नहीं होगा, डाइसेक्राइड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, समझ पा रहे हो। तो ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, समझ पा रहे हो, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये जितने भी कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स का फॉर्मेशन होता है वो सब इसकी देन है, किसकी आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन्स की, अगर ये नहीं होते तो शायद आपके पास यानी कि ब्रांचिंग नहीं हो पाता, समझ पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखना, है ना, आगे चलते हैं, चले आगे, चलिए। अब मेरे प्यारे बच्चे अब देखते हैं कि भाई ये जो कार्बोहाइड्रेट की ये मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आपको लिखा है जिसे जनरल प्रॉपर्टीज कहा जाता है। अब आगे चलते हैं कि भाई इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब हमारी लाइफ के अंदर आपके पास यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि इंपॉर्टेंस कि कार्बोहाइड्रेट्स का आपके पास यानी कि इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ के अंदर आपके पास यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है। अब सही बात है जो कार्बोहाइड्रेट होता है मेरे प्यारे बच्चे भाई इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब आपके पास यानी कि करता क्या है। देखिए इंपॉर्टेंस में मेरे प्यारे बच्चे पहला कि आपके पास यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है आपके पास यानी कि प्राइमरी प्राइमरी सोर्स सोर्स ऑफ एनर्जी एनर्जी फॉर बॉडी फॉर बॉडी। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा ना मेरे प्यारे बच्चे तो अगर उसे एनर्जी चाहिए होगा ना तो वो कार्बोहाइड्रेट उसकी बॉडी में चाहिए, मतलब उसको ग्लूकोज चाहिए, फ्रुक्टोज चाहिए, सुक्रोज चाहिए, मतलब चाहिए चाहिए, समझ पा रहे, चाहे वो प्लांट है चाहे एनिमल है, इन सब का जो प्राइमरी सोर्स है ना बच्चे मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि एनर्जी का, वो बेसिकली क्या आपके पास यानी कि कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट से एक्चुअल में क्या होता है बच्चे हमें एनर्जी मिलती है। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होता तो शायद देखो ना हम लोग चावल खाते हैं, राइस खाते हैं, राइस से क्या मिलता है हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, स्टार्च मिलता है, समझ पा रहे। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चे आप लोग व्हीट खाते हैं, क्या मिलता है कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और इसी कार्बोहाइड्रेट की वजह से आप और मैं आपके पास यानी कि बोल पाते हैं, समझ पा रहे। तो एनर्जी जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट में होता है, समझ पा रहे। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे लगभग सबके लिए लगभग सभी के लिए आपके पास यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो प्राइमरी सोर्स होता है, किसके लिए आपके पास एनर्जी के लिए, अगर उसकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को चलाना है तो, क्योंकि किसी भी मेटाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी इन्वॉल्व होता है और वो एनर्जी किससे ड्राइव होता है आपके पास यानी कि कार्बोहाइड्रेट में। तो पहला इंपॉर्टेंट समझ पा रहे आपके पास यानी कि, तो पहला आप लोग यही ध्यान रखेंगे बच्चे आपके पास कि किस लिए हमें चाहिए आपके पास यानी कि एनर्जी के लिए, समझ पा रहे। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे अगर हम लोग बात करते हैं आपके पास इसके अंदर तो दूसरा ये देखते हैं इंपॉर्टेंस में कि भाई ये आपके पास यानी कि प्रोड्यूस किसके द्वारा होता है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन प्लांट किसके द्वारा, ग्रीन प्लांट्स बाय फोटोसिंथेसिस। कोई थोड़ी ना बनाएगा, प्लांट ही बनाएगा भैया, प्लांट के पास ही क्लोरोफिल होते हैं, समझ पा रहे। तो मतलब मेरे प्यारे बच्चे अगर कोई बना सकता है कार्बोहाइड्रेट को तो कौन बनाएगा, ग्रीन प्लांट बनाएगा। तो ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है और फोटोसिंथेसिस के मदद से बेसिकली क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को बनाता है। लगभग प्लांट की बॉडी में मेरे प्यारे बच्चे प्लांट्स बॉडी contain 80%
ऑफ दियर ड्राई वेट, ऑफ दियर ड्राई वेट। अगर किसी प्लांट्स को ना अगर सुखाया जाए और जलाया जाए, पानी निकाल दिया जाए, तो उसकी बॉडी में 80% किसका बना हुआ होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का। और यही सच है, समझ पा रहे हो? क्यों? क्योंकि भाई कार्बोहाइड्रेट से ही, ग्लूकोज से ही बेसिकली हम लोग लिपिड्स बनाते हैं, फैट्स बनाते हैं, और आपके पास यानी कि अमीनो एसिड्स बनाते हैं। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं आपके पास यानी कि जो इंपॉर्टेंस है, तो समझ पा रहे इंपॉर्टेंस क्या है? पहला कि ये प्राइमरी आपके पास यानी कि सोर्स है किसका? एनर्जी का। और ये कार्बोहाइड्रेट बनाता कौन है आपके पास? यानी कि ग्रीन प्लांट बनाता है। प्लांट की बॉडी का कितना परसेंट आपके पास? 80% ऑफ द ड्राई वेट। समझ पा रहे हैं बच्चे? तो ये इंपॉर्टेंस है। आ रही बात समझ में? आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे, हम बात करते हैं आपके पास यानी कि क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करते हैं? क्लासिफिकेशन की। देखिए, जब मेरे प्यारे बच्चे कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन है ना, क्लासिफिकेशन या बच्चे हम बोलते हैं आपके पास यानी कि टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम लोग टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे पहला हम ये देखते हैं आपके पास यानी कि फिजिकल बेसिस पर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम ये देखते हैं हमारे प्यारे बच्चे कि भाई कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है भाई, जो ये कार्बोहाइड्रेट्स है वो आपके पास यानी कि, तो पहला हम बच्चे ये लेकर चलते हैं आपके पास यानी कि पहला आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जब हम लोग आपके पास यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर देखते हैं बच्चे, तो इसमें हम लोग ये लेते हैं बच्चे आपके पास, मैं आपसे कहता हूं कि ए आपके पास यानी कि पहला मान लीजिए सुगर है। क्या आपके पास मतलब सुगर ही होता है और कुछ नहीं होता? क्या होता है? सुगर होता है। और अच्छा, दूसरा क्या होता है आपके पास? तो दूसरा हम लोग बच्चे बी मान लेते हैं और उसे बोल देते हैं हम लोग पॉलीसेक्राइड्स। क्या बोल देते हैं आपके पास? यानी कि पॉलीसेक्राइड्स। समझ पा रहे क्या बोलते हैं बच्चे आपके पास? पॉलीसेक्राइड्स। अब समझना बच्चे आपके पास कि सुगर के अंदर क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग सुगर की बात करते हैं, सुगर बच्चे आपके पास अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेसिस के ऊपर बात करें, तो जाहिर सी बात है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो आपके पास यानी कि लो रहता है, कम रहता है। तो आपके पास हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट, हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट, लो मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका बच्चे आपके पास लो मॉलिक्यूलर वेट रहता है। दूसरा मेरे बच्चे आपके पास यानी कि रेडियरली आपके पास यानी कि सॉल्यूबल इन वाटर। ये वाटर में आपके पास यानी कि सॉल्यूबल होते हैं, सॉल्यूबल मतलब घुल जाते हैं। हैविंग स्वीट टेस्ट मतलब ये मीठा लगेगा खाने, मीठा लगेगा। हैविंग स्वीट टेस्ट मतलब अगर टेस्ट करोगे आपको तो कैसा मतलब लगेगा? मीठा लगेगा। हैविंग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स तो मतलब ये इसका जो शेप होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, मतलब ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में आपको मिल सकते हैं। जैसे चीनी वगैरह घर में देखते हो बच्चे, तो वो आपको क्रिस्टल्स में मिलते हैं या नहीं मिलते? मिलते हैं। लेकिन पॉलीसेक्राइड जो होता है मेरे प्यारे बच्चे आपके पास, तो इसमें जो पहला पॉइंट लिखोगे आपके पास हैविंग आपके पास यानी कि Having high molecular mass, इसका molecular mass आपके पास यानी कि ज्यादा होता है। Having आपके पास high molecular weight, इसका जो molecular weight होता है वो आपके पास यानी कि बहुत ज्यादा रहता है। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि slightly soluble in water, ये वाटर के अंदर आपके पास बहुत कम डिजॉल्व होता है, मतलब ना के बराबर। पानी में डाल दोगे ठीक है, होगा। कभी देखा है सेल्यूलोज वगैरह पानी के अंदर डूबता है? बिल्कुल नहीं डूबता। समझ पा रहे? स्टार्च वगैरह पानी के अंदर नहीं डूबता, तो कहने ग्लाइकोजन वगैरह पानी के अंदर नहीं डूबता। ठीक है, समझ पा रहे? मतलब नहीं घुलता है। डूबना नहीं है, घुलना है। ठीक है, घुलता नहीं है। अच्छा देखिए अगला मेरे प्यारे बच्चे आपके पास हैविंग नो स्वीट आपके पास यानी कि स्वीट टेस्ट, हैविंग नो स्वीट टेस्ट, इसका टेस्ट भी आपके पास यानी कि भिकारी होता है। इसका टेस्ट जो टेस्ट होता है मेरे प्यारे बच्चे, मतलब वैसे तो सेल्यूलोज वगैरह कोई खाता नहीं, क्योंकि हम लोग बॉडी में खाते तो हमारी बॉडी तो डाइजेस्ट नहीं कर सकती सेल्यूलोज को। एनिमल की बॉडी
नहीं कर पाती आपके पास, लेकिन कुछ रुमिनेंट है जिनकी बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, हमारी बॉडी नहीं कर पाती। अच्छा आगे देखिए आपके पास, यानी कि नो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, नो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, नो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। अब इसका जो आपके पास, यानी कि जो मतलब इसके पास कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स नहीं होगा, समझ पा रहे बच्चे? तो आप ये ध्यान रखना बच्चे आपके पास कि भाई क्लासिफिकेशन में टाइप्स की बात करते हो तो पहले टाइप्स में सुगर आता है, दूसरे के अंदर आपके पास पॉलीसेक्राइड्स आते हैं। यहाँ पर आपके पास हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट, हैविंग आपके पास हाई मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे, रेडियली सोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर बोल सकते हैं या स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर बोल सकते हैं। Having sweet in taste, having no sweet आपके पास यानी कि टेस्ट मीठा नहीं लगेगा, ठीक है। Having crystalline structures, having no crystalline structures, समझ पा रहे? तो ये physical basis के ऊपर था। तो पहला मेरे प्यारे बच्चे physical के basis पर था, ठीक है। अब हम लोग आपके पास यानी कि दूसरा basis देखते हैं आपके पास, यानी कि दूसरा लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे number of molecules के basis पर, है ना। दूसरा आपके पास किस पर ले रहे हैं आपके पास, यानी कि number of molecules, number of molecules। जब number of molecules के अंदर जाते हो बच्चे, तो जो ये आपका sugar होता है, समझ रहे आपके पास, यानी कि मैंने आपसे कहा कि भाई sugar, तो आपके पास यानी कि sugar। अब इसमें दो पार्ट हम लोग कर लेते हैं बच्चे। एक आपके पास बोल देते हैं हम लोग monosaccharides, क्या बोल देते हैं बच्चे आपके पास, यानी कि monosaccharides, है ना। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे काम करते हैं, चलो लिख देते हैं यहीं पर आपके पास, disaccharides। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, डाइसेक्राइड्स, क्या होता है, डाइसेक्राइड्स। और तीसरा मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि पॉलीसेक्राइड्स, क्या होता है, पॉलीसेक्राइड्स, समझ पा रहे? तो मतलब अगर हम लोग नंबर ऑफ नंबर के बेसिस पर देखते हैं, इसके अंदर आपके पास यानी कि मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, है ना। इसके अंदर आपके पास यानी कि मेड अप ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, यहां पे आपके पास दो मॉलिक्यूल से बना होगा, है ना, टू मॉलिक्यूल्स। तो ये दो मॉलिक्यूल से बना होता है, और ये आपके पास यानी कि मेड अप ऑफ मोर देन टू मॉलिक्यूल्स, मेड अप ऑफ मोर देन, मोर देन टू मॉलिक्यूल्स, टू मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स, समझ पा रहे? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर देखेंगे बच्चे, तो आपके पास ये जो सुगर होता है इसका दो पार्ट हो जाता है, एक डाइसेक्राइड्स, एक आपके पास मोनोसेक्राइड्स। और ये आपके पास यानी कि दूसरा पार्ट जो बच्चे हम लोग बोलते हैं आपके पास यानी कि पॉलीसेक्राइड, तो ये वाला पार्ट पॉलीसेक्राइड्स के अंदर आ जाता है, मतलब कॉम्प्लेक्स वाला, है ना। एक सिंपल होता है और एक कॉम्प्लेक्स होता है, तो वो कॉम्प्लेक्स की तरफ चला जाता है, समझ पा रहे? आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपसे कहा कि भाई ठीक है ये आपके पास यानी कि मोनोसेक्राइड, तो मोनोसेक्राइड्स कौन होते हैं, जैसे देखो अगर एग्जांपल देखते हैं हम लोग, तो मोनोसेक्राइड्स में मेरे प्यारे बच्चे जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि भाई ग्लूकोज, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, ग्लूकोज। दूसरा आपके पास यानी कि हम लोग बोलते ना गैलेक्टोज, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, गैलेक्टोज, है ना, गैलेक्टोज। अच्छा फ्रुक्टोज भी तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपके पास, यानी कि फ्रुक्टोज, है ना। तो ये आपके पास क्या, तीन हमारे पास यानी कि मोनोमर। और इसी तरीके से जब डाइसेक्राइड्स की बात करते बच्चे, तो आप लोग माल्टोज के बारे में सुना होगा, क्या होता है आपके पास, यानी कि माल्टोज। फिर उसके बाद क्या होता है आपके पास, यानी कि लैक्टोज, क्या होता है आपके पास, लैक्टोज, है ना। और फिर उसके बाद क्या होता है आपके पास, यानी कि सुक्रोज, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, सुक्रोज, समझ पा रहे। और इसी तरीके से पॉलीसेक्राइड्स में देखेंगे बच्चे, तो पॉलीसेक्राइड के अंदर सबसे पहले क्या लिख लो, सेल्युलोज, क्या लिख लो, सेल्युलोज। अच्छा दूसरा क्या लिखोगे, स्टार्च लिख लो, क्या लिखोगे, स्टार्च लिख लो। तीसरा क्या लिख सकते हैं हम लोग आपके पास, काइटिन लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, काइटिन। चौथा क्या लिख सकते हैं, ग्लाइकोजन, क्या लिख सकते हैं, ग्लाइकोजन, समझ पा रहे मेरे प्यारे बच्चे। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे आपके पास ये चीज ध्यान रखना आप लोगों को कि भाई ठीक है ये मोनोसेक्राइड्स होते हैं, ये डाइसेक्राइड्स होते हैं, ये पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया, मतलब सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया, काइटिन हो गया, समझ पा रहे आपके पास, यानी कि। तो इनोलिन, इनुलिन एक वर्ड होता है आपके पास, इनुलिन, तो वो भी बेसिकली पॉलीसेक्राइड्स का एग्जांपल है, ठीक है। और डाइसेक्राइड्स में जब हम लोग बात करते हैं बच्चे, तो मतलब सभी डाइसेक्राइड्स को ना, इनको बेसिकली एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, ऑलिगोसेक्राइड्स, ऑलिगोसेक्राइड्स। अब समझ रहे मेरे प्यारे बच्चे कि ये जो ऑलिगोसेक्राइड्स होता है, ऑलिगोसेक्राइड्स का मतलब क्या होता है।
और लिगोसेक्राइड्स का मतलब मेरे प्यारे बच्चे ये होता है कि इसके अंदर मोनोमर का नंबर जो होगा ना, मोनोमर का नंबर वो दो से लेकर आपके पास यानी कि दस हो सकता है, दो से लेकर आपके पास दस हो सकता है। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है ना आपके पास, यानी कि मोस्ट कॉमन आपके पास यानी कि जो आपके पास यानी कि ऑलिगोसेक्राइड्स होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, वो आपके पास लैक्टोज और सुक्रोज माना जाता है। समझ पा रहे? तो डाइसेक्राइड्स का ही नाम होता है ऑलिगोसेक्राइड्स, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मतलब मोनोमर मतलब डाइसेक्राइड्स कैसे बनते हैं, मोनोमर से मिलते हैं यार, ग्लूकोज गैलेक्टोज या फ्रुक्टोज इनमें से कोई भी मोनोमर या तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाए तो वो क्या बना देगा आपके पास, लैक्टोज वगैरह बना देता है। क्योंकि बच्चे जब लैक्टोज को तोड़ते हैं तो लैक्टोज किस में टूटते हैं, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के अंदर टूटते हैं ना, तो ये चीजें समझ पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, याद रहेगा, आगे देखते हैं। ये किस पर था बच्चे आपके पास, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बेसिस पर। अब तीसरा मेरे प्यारे बच्चे हम लोग ये देखते हैं आपके पास, यानी कि अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई ठीक है तीसरा मुझे केमिकल आपके पास यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर देखना है। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर देखना है ना, तो इसमें एक वर्ड चलता है आपके पास रिड्यूसिंग, क्या चलता है मेरे प्यारे बच्चे आपके पास, यानी कि रिड्यूसिंग। तो अगर मोनोमर में बात करता हूं मैं बच्चे, पहला लेता हूं आपके पास यानी कि मोनोमर्स। अच्छा मोनोमर्स के अंदर क्या सारे आपके पास रिड्यूसिंग होते हैं, यस आपके पास अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज भी आपके पास यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है, आपके पास यानी कि फ्रुक्टोज भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, समझ पा रहे हैं आपके पास, यानी कि गैलेक्टोज भी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अगर आप लोग डाइसेक्राइड्स की बात करते हैं इसके अंदर, यहां पर मैं बात करता हूं आपके पास बच्चे डाइसेक्राइड्स की, किसकी बात करता हूं आपके पास यानी कि डाइसेक्राइड्स की। तो डाइसेक्राइड्स के अंदर मेरे प्यारे बच्चे जो रिड्यूसिंग्स होते हैं ना आपके पास यानी कि रिड्यूसिंग, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास यानी कि जो रिड्यूसिंग करने का काम करते हैं, रिड्यूस करने का काम करते हैं, वो सिर्फ दो होते हैं। कौन से होते हैं आपके पास, सुक्रोज को छोड़ दो मतलब लैक्टोज एंड माल्टोज। तो लैक्टोज और दूसरा आपके पास माल्टोज जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चे माल्टोज, तो ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। देखो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब मेरे प्यारे बच्चे ये होते हैं, जैसे मान लीजिए कॉपर प्लस प्लस के अंदर है तो इसको ये रिड्यूस कर देगा किसके अंदर आपके पास, कॉपर प्लस के अंदर। तो जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन दे सकता है आपके पास यानी कि चार्ज को रिड्यूस कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो मतलब ये तीनों ये कर सकता है, ये दोनों आपके पास ये कर सकते हैं, समझ पा रहे? तो इसे रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। तो मतलब और नॉन रिड्यूसिंग एजेंट डाइसेक्राइड्स में कौन होगा, तो यहाँ पे ये भी याद रखना आपके पास कि यहाँ पे आपके पास यानी कि नॉन रिड्यूसिंग कौन सा होगा, तो इसमें मेरे प्यारे बच्चे नॉन रिड्यूसिंग के अंदर सुक्रोज आ जाते हैं, क्या आ जाता है आपके पास, सुक्रोज। आप लोग बच्चे जब केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वहां पर बेसिकली एक टेस्ट था बेनेडिक्ट टेस्ट और आपके पास यानी कि फेलिंग्स टेस्ट। तो बेनेडिक्ट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट्स को ही बताते हैं, समझ पा रहे? तो जो आपके पास रिड्यूस कर सकता है, जो रिड्यूसिंग का काम करेगा, वो बेसिकली क्या कहलाएगा आपके पास यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो बेसिकली वो टेस्ट देते हैं, तो मतलब टेस्ट क्या था, वो यही था। तो उसमें सुक्रोज क्या होता है आपके पास, वो टेस्ट नहीं दे पाता, समझ पा रहे आपके पास। तो मतलब वहां पर ही वो टेस्ट पढ़ाया जाता है आप लोगों को। और तीसरा मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि जितने भी हमारे पास यानी कि पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, जितने भी आपके पास यानी कि पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, ये सभी के सभी पॉलीसेक्राइड जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि नॉन रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। मतलब ये बेसिकली मतलब कुछ नहीं करते, मतलब कौन कौन नहीं करता, ना सेल्यूलोज करता है, समझ पा रहे हैं, ना तो आपके पास यानी कि ग्लाइकोजन करता है, ना तो आपके पास यानी कि हमारे पास स्टार्च कर पाता है, समझ पा रहे हैं, ना तो आपके पास स्टार्च कर पाता है, ना तो आपके पास इनुलिन कर पाता है, समझ पा रहे हैं, ना तो आपके पास यानी कि हम लोग बोलते हैं आपके पास कि भाई ये सब कंपाउंड्स हैं मतलब कॉम्प्लेक्स, ये सब आपके पास सारे के सारे आपके पास नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। तो आप लोगों को ये याद करना पड़ेगा कि रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड्स कौन सा होता है, सभी होते हैं। डाइसेक्राइड्स के अंदर आपके पास यानी कि माल्टोज है ना, आपके पास यानी कि क्या होता है फ्रुक्ट मतलब लैक्टोज होता है, सुक्रोज नहीं होता, समझ पा रहे? और पॉलीसेक्राइड्स में कोई भी नहीं, याद रखेंगे पक्का। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अगर ऑन द बेसिस ऑफ शेप की बात करते हैं, मतलब चौथा पॉइंट इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं बच्चे आपके पास यानी कि जंगल आपके पास यानी कि शेप,
जेंडल आपके पास यानी कि शेप या स्ट्रक्चर्स बोला जाता है, तो इसमें पहला बच्चे अगर मैं बात करता हूँ आपके पास यानी कि मोनोसिक्राइस का, किसकी बात करूं बच्चे आपके पास यानी कि मोनोसिक्राइस का, तो मोनोसिक्राइस। और दूसरा मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि डाइसिक्राइस, क्या होता है डाइसिक्राइस, समझ पा रहे हैं क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे डाइसिक्राइस। और तीसरा मेरे प्यारे बच्चे आपके पास क्या होता है पॉलीसेक्राइड्स, क्या होता है पॉलीसेक्राइड्स। तो इसमें जब शेप की बात करेंगे बच्चे, तो जनरल शेप ऐसा माना जाता है कि भाई कोई भी आपके पास मोनोसेक्राइड्स होगा तो उसका शेप इस तरीके से, जनरल शेप माना जाता है कि भाई जनरल शेप इस तरीके से होगा, समझ पा रहे हैं। अगर डाइसेक्राइड्स होगा मेरे प्यारे बच्चे तो इस तरीके से, समझ पा रहे हैं, ये डाइसेक्राइड्स का शेप। और ये जो बीच में होता है ना बच्चे, इसे बोला जाता है आपके पास यानी कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, समझ पा रहे हैं। तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। और जब पॉलीसेक्राइड्स की बात किया जाता है मेरे प्यारे बच्चे, तो इस तरीके से इसका शेप होता है, समझ पा रहे हैं। देखो समझना है भैया, है ना, ऐसे नहीं कि सर के ऊपर से जा रहा हो, है ना, तो ऐसे भी नहीं रहना, समझना है चीजों को, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे चीजें बड़ा आसान होता है। अगर आप लोग पढ़ना चाहेंगे ना तो चीजें बड़ा आसान लगेगा, और नहीं पढ़ना चाहेंगे तो बच्चे चीजें हमेशा मुश्किल लगेगी, है ना। तो इस तरीके से आपके पास यानी कि रहता है, तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स चेन होता है बच्चे, तो इसके अंदर पॉलीसेक्राइड्स मतलब बहुत सारे आपके पास यानी कि एक से ज्यादा आपके पास यानी कि मोनोमर होते हैं, समझ पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे धीरे धीरे इसी तरीके से आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि भैया जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, मतलब वो होता क्या है, मतलब कार्बोहाइड्रेट में चल क्या रहा है, समझ पा रहे हैं। तो मतलब आपको समझने की कोशिश करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या है। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे बात अगर मान लीजिए, मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ठीक है, ये सारी तो आपके पास यानी कि एक, मतलब इनको हम क्या बोल सकते हैं बच्चे कि भाई एक आपके पास यानी कि चार पॉइंट्स थे, पहला फिजिकल था, दूसरा आपके पास यानी कि फिजिकल के बाद हम लोगों ने आपके पास यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा, फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, शेप देखा आपके पास, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया। अब आगे मेरे प्यारे बच्चे, अब आगे आप लोग थोड़ा सा समझिए कि भाई फंक्शन क्या है। अगर मैं बात करता हूँ आपके पास यानी कि फंक्शन का, कि भैया ये जो इनका फंक्शन होता है आपके पास, वो फंक्शन क्या होता है, जनरली कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन क्या है, या चलिए एक काम करते हैं, फंक्शन ऐसे समझते हैं। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपसे कहा कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स, क्या बोला कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स में काम करेंगे बच्चे, हम लोग फंक्शन लास्ट में देखेंगे आपके पास, या तो क्योंकि देखो मैंने कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स, दूसरा मैंने कह रहा बच्चे आपके पास मोनोसेक्राइड्स डाइसेक्राइड्स, और तीसरा मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स में मेरे प्यारे बच्चे मैंने आपसे कहा कि भाई मोनोसेक्राइड्स के अंदर तीन बातें आप लोग ध्यान रखें, पहला ग्लूकोस, दूसरा फ्रुक्टोस, तीसरा गैलेक्टोस। मेरे प्यारे बच्चे डाइसेक्राइड्स में मैंने आपसे कहा कि भाई आप ये तीन याद कर लीजिए डाइसेक्राइड्स में, क्या आपके पास लैक्टोज, सुक्रोज, और आप क्या याद कर सकते हैं माल्टोज। और पॉलीसेक्राइड्स में आप बच्चे कुछ वर्ड्स हैं याद कर लीजिए, पहला सेल्यूलोज, दूसरा काइटीन, तीसरा स्टार्च, चौथा, चलिए चौथा यहां पर लिख देते हैं, चौथा आपके पास यानी कि इनुलिन, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अरे बस समझ में, तो मेरे प्यारे बच्चे आप ये समझिए कि सारे के सारे हमारे पास है। अब मेरे प्यारे बच्चे मैं आपसे कहता हूं कि भाई ठीक है, हमारे पास यानी कि ये मोनोसेक्राइड्स, तो हम लोग बच्चे सबसे पहले काम करेंगे मोनोसेक्राइड्स को देखेंगे। और एक चीज बता समझना बच्चे कि भाई मैंने आपको कहा, आपको बस ये याद रखना, अगर कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे मेरे प्यारे बच्चे तो मोनोसेक्राइड्स एक होगा, डाइसेक्राइड्स दो होगा,
पॉलीसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स का दूसरा नाम ऑलिगोसेक्राइड्स भी होता है। क्या नाम होता है? ऑलिगोसेक्राइड्स, ऑलिगोसेक्राइड्स होता है। क्या नाम होता है? ऑलिगोसेक्राइड्स। समझ पा रहे हैं? तो पहला आपके पास यानी कि मोनोसेक्राइड, दूसरा डाइसेक्राइड्स या ऑलिगोसेक्राइड्स। इसमें मैंने आपसे बोला था कि दो से लेकर आपके पास यानी कि दस हो सकते हैं। और सबसे मोस्ट कॉमन कौन है आपके पास? जो डाइसेक्राइड्स आपके पास सबसे ज्यादा डाइसेक्राइड्स जो रहता है वो लैक्टोज आपके पास और क्या रहता है? सुक्रोज। मतलब सबसे ज्यादा डाइसेक्राइड्स माना जाता है मोस्ट कॉमन ऑलिगोसेक्राइड्स में। पॉलीसेक्राइड्स में सारी चीजें पड़ती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ आपके पास यानी कि ग्लूकोज, मैं कहता हूँ फ्रुक्टोज और मैं आपसे कहता हूँ ग्लूकोज, आपके पास यानी कि गैलेक्टोज। अब मुझे एक चीज मुझे बताइए बच्चे कि भाई हम लोग इंपॉर्टेंस देखेंगे ग्लूकोज, मतलब जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं उनका अपना इंपॉर्टेंस होगा, जितने भी डाइसेक्राइड्स हैं इनका अपना इंपॉर्टेंस होगा, और जितने भी आपके पास यानी कि पॉलीसेक्राइड्स हैं इनका अपना इंपॉर्टेंस होगा। तो जब हम लोग इंपॉर्टेंस की बात करें बच्चे, तो हम इंडिविजुअल लेवल पर देखेंगे। मतलब हम देखेंगे पहले मोनोसेक्राइड्स का स्ट्रक्चर्स, ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज का, फिर डाइसेक्राइड्स का आपके पास स्ट्रक्चर्स, फिर उसके बाद पॉलीसेक्राइड्स का, और फिर आपके पास मोनोसेक्राइड्स का इंपॉर्टेंस, डाइसेक्राइड्स का इंपॉर्टेंस और पॉलीसेक्राइड्स का इंपॉर्टेंस। समझ पा रहे? इस तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं बच्चे, हम लोग किससे स्टार्ट करते हैं? मोनोसेक्राइड से स्टार्ट करते हैं। समझ पा रहे? मतलब ओवरऑल मेरे प्यारे बच्चे आपको यही पढ़ना है, ठीक है? जितनी भी बातें इससे पहले किया वो सब जनरल था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया है किसमें? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स में। अब हम लोग इसको एक एक करके लेकर पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए, याद रहेगा? चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले आपके पास जब हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे मोनोसेक्राइड्स की, तो समझना मेरे प्यारे बच्चे कि मैंने आपसे कहा कि भाई सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके पास यानी कि मोनोसेक्राइड्स। किसकी बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे? मोनोसेक्राइड्स। समझ पा रहे हैं? किसकी बात करते हैं? मोनोसेक्राइड्स। अब ये जो मोनोसेक्राइड्स होता है मेरे प्यारे बच्चे, इसके अंदर आपके पास मोनोसेक्राइड्स हम किसे कहते हैं? मोनोसेक्राइड्स का मतलब मेरे प्यारे बच्चे, इसके अंदर तीन से लेकर सात कार्बन हो सकते हैं, ये याद रखना आपके पास। तो मोनोसेक्राइड्स में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आपके पास? यानी कि these are composed of 3 to 7 carbon atom। मतलब किसी भी मोनोमर के अंदर आपके पास तीन से लेकर सात कार्बन हो सकते हैं। कितने कार्बन हो सकते हैं? तीन से लेकर आपके पास यानी कि सात कार्बन हो सकते हैं। दो से लेकर दस वो डाइसेक्राइड के लिए था, भूलना मत, मैं बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे तीन से लेकर, मैंने इसीलिए याद रखना आपके पास, जब जनरल फॉर्मूला मैंने बच्चे अभी लिखाया तो उसके अंदर मैंने क्या लिखवाया था? ट्रायोज, ग्लाइसरलडिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये सब वर्ड इस्तेमाल किए मैंने, और तीन कार्बन बनाए, ठीक है? आगे देखिए दूसरा मेरे प्यारे बच्चे आपके पास, यानी कि दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्टिल स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स। ये यूनिट है मोनोमर का, मतलब बच्चे इससे बियॉन्ड तोड़ेंगे तो इनऑर्गेनिक बन जाएगा, ऑर्गेनिक नहीं रहेगा। समझ पा रहे? इससे बियॉन्ड तोड़ेंगे तो ग्लूकोज 6 होता है, तो मतलब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 6 कार्बन का ही होगा। समझ पा रहे? फ्यूरन, FUR, फ्यूरन जिसे फ्रुक्टोज बोला जाता है, समझ पा रहे मेरे प्यारे बच्चे? तो वो आपके पास 5 कार्बन का होता है, तो मतलब 5 कार्बन रहेगा। ग्लाइसर एल्डिहाइड कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का होता है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का होता है। तो आप इससे फर्दर इसको ब्रेक नहीं कर सकते, समझ पा रहे? तो मतलब इसके अंदर आपके पास यानी कि इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इनटू स्टिल आपके पास स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट, इससे छोटे यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तीसरा पॉइंट आपके पास यानी कि ऑल कार्बन एटम हैज अल्कोहलिक ग्रुप एक्सेप्ट
एक्सेप्ट वन विच हैज आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। जितने भी कार्बन होगा बच्चे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कितने भी नंबर ऑफ कार्बन हो सकता है, लेकिन याद रखना है कि एक कार्बन ऐसा होगा जो आपके पास यानी कि या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा, मतलब एक कार्बन। तो मतलब जितने भी कार्बन होगा सब कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ होगा, लेकिन एक कार्बन आपको ऐसा मिलेगा जिसके अंदर आपके पास यानी कि उसके पास OH ग्रुप अटैच नहीं होगा, या तो वो एल्डिहाइड होगा या तो आपके पास कीटोन होगा। इसको मैं समझाता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, आप ऐसे समझिए, पहले ये नोट कर लीजिए, कर लिया इसी के बाद आप लोग इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अगला पेज लेते हैं। मान लीजिए बच्चे मैंने आपसे कहा कि भाई कुछ इस तरीके से होता है, क्या मेरे प्यारे बच्चे जब आप लोग बात करते हैं आपके पास यानी कि एल्डिहाइड की, इसकी बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अभी मैंने पीछे भी समझाया आप लोगों को एल्डिहाइड, और दूसरा मेरे प्यारे बच्चे मैं क्या ले रहा हूँ आपके पास यानी कि कीटोन, क्या ले रहा हूँ आपके पास यानी कि कीटोन, समझ पा रहे कीटोन। तो एल्डिहाइड का मतलब क्या बच्चे, मैंने आपसे अभी बोला कि भाई एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड का मतलब ये डबल बॉन्ड लगा दीजिए, इसके पास हाइड्रोजन लगा लीजिए, एक आपके पास कार्बन, यहाँ पर OH ग्रुप जोड़ दीजिए, यहाँ पर आपके पास H जोड़ दीजिए, यहाँ पर आपके पास OH ग्रुप और यहाँ पर आपके पास यानी कि H, इस तरीके से जोड़ सकते हैं, और एक H और जोड़ दीजिए, तीन कार्बन हो गया। और यहाँ पे इसी तरीके से एक काम करते हैं, दूसरा कलर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अब इसमें आप ये जो देख रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चे, ये ग्रुप जो देख रहे हैं, ये ग्रुप क्या आपके पास यानी कि CHO है ना मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपके पास यानी कि CHO, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग आपके पास यानी कि एल्डिहाइड, क्या बोल देते हैं हम लोग एल्डिहाइड, समझ पा रहे। और इसका नाम क्या होता है आपके पास यानी कि ग्लाइसर एल्डिहाइड, समझ पा रहे, ये होते हैं। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चे जब आप लोग यहां पर चलते हैं तो यहां पर आप लोग क्या कीजिए, आपके पास OH, यहां पे H लगा दीजिए, यहां पर भी H लगा दीजिए, यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड लगा दीजिए, यहां पे आपके पास कार्बन OH ग्रुप जोड़ दीजिए, यहां पर आपके पास H और यहां पर आपके पास यानी कि H। अब यहां पे मेरे प्यारे बच्चे आप देख क्या रहे, आप ये देख रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चे कि ये जो मेरे पास है ना आपके पास यानी कि ये क्या आपके पास यानी कि कीटोन है ना, क्या हमारे पास यानी कि कीटोन, ये मेरे पास क्या आपके पास यानी कि कीटोन। तो मेरे पास कीटोन कहने का मतलब आपके पास C डबल बॉन्ड और दो आपके पास बॉन्ड खाली, कीटोन यही तो है ना मेरे प्यारे बच्चे। इसको क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है आपके पास यानी कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, समझ पा रहे हैं, ये चीज बोला जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे एक कार्बन आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, समझ पा रहे हैं। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो लगभग समझ लीजिए कि भाई सारी चीजें आप समझ गए, अगर आप इसको नहीं समझ पाते तो आपको दिक्कतें होंगी, दिक्कतें नहीं बहुत ज्यादा आपके पास यानी कि होगी। आगे देखिए, मैंने बच्चे आपसे कहा कि भाई ये जो आपके पास ग्रुप होते हैं इन ग्रुप का मेनली आपके पास यानी कि फंक्शन क्या होता है, समझते हैं, अगला लिखते हैं, नोट कर लिया, नोट करते रहे है ना, मतलब चीजों को क्या करना है भाई, नोट करते रहना, क्योंकि बच्चे ऐसा ही है, जब आप लोग चीजों को बार बार नोट करेंगे, बार बार लिखेंगे, खुद से लिखेंगे, तब चीजें ज्यादा क्लियर होती है, स्पष्ट होती है ना। तो कोशिश क्या करो कि लिखा भी करो, क्योंकि सुनने से बच्चे कितनी बार चीजें दिमाग में नहीं जाता, लेकिन लिखने से पता रहता है कि हम कहां गलतियां कर सकते हैं। तो लिखा करो, क्या फर्क पड़ रहा है, लिखा करो है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है बच्चे आपके पास यानी कि फोर्थ वाला। वैसे मैंने आप लोगों को बताया कि शुगर है भी, मतलब इसमें हम लोग ये देखते हैं बच्चे कि आपके पास यानी कि शुगर हैविंग फ्री एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब यहां पर आपके पास यानी कि जो मतलब जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स होते हैं ना, ग्रुप्स रिड्यूस किसको करते हैं, मान लीजिए ये कॉपर था, ये प्लस प्लस में सा टू आपके पास, इसको रिड्यूस कर देता है किसके अंदर आपके पास यानी कि कॉपर प्लस आयन के अंदर। तो ये जो आपके पास यानी कि कीटोन और एल्डिहाइड होते हैं ना शुगर के पास प्रेजेंट, इसका मेन काम क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम, ये किसका काम करते हैं, रिड्यूस करने का काम करते हैं। तो ये कहता है भाई गॉड हम तो रिड्यूस करेंगे, क्या करेंगे, रिड्यूस,
समझ पा रहे? तो एक्चुअल में इसीलिए प्रेजेंट होता है। मैंने आपसे कहा तो मैंने आपसे ये भी तो कहा अगर ये नहीं होगा ना तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, डाइसैकेराइड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इनका होना बहुत जरूरी है, समझ पा रहे? आगे देखिए अगला पॉइंट बच्चे आपके पास, यानी कि बोलते हैं आपके पास, यानी कि इसमें हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं बच्चे आपके पास कि जो भी हमारे पास मतलब अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट में बच्चे हम ये लिख सकते हैं आपके पास, यानी कि जो भी हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ये कभी भी आपके पास, यानी कि करता क्या है कि जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, किसका आपके पास, यानी कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता होगा, सोचिए मुझे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए मुझे क्या करना होगा बच्चे, इनमें से आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन का मुझे इस्तेमाल करना होता है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट में बच्चे आपके पास एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप ग्रुप कैन बाइंड विद अल्कोहलिक ग्रुप ऑफ अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे? अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज ए रिजल्ट इसकी वजह से क्या बनता है, एज ए रिजल्ट किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का, एज ए रिजल्ट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, बॉन्ड इज फॉर्म्ड। समझ पा रहे? तो अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करना होता है मेरे प्यारे बच्चे, तो लगभग आपके पास यानी कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए हमें क्या करना होता है आपके पास, यानी कि ये जो एल्डिहाइड है और कीटोन है ये बेसिकली दूसरे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा उसके आपके पास यानी कि अल्कोहलिक कंपाउंड्स, मतलब इसका जो अल्कोहलिक आपके पास यानी कि ग्रुप होगा उससे बेसिकली या तो एल्डिहाइड या तो आपके पास यानी कि कीटोन ग्रुप आपके पास यानी कि बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या मिलता है मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। समझ पा रहे हैं क्या मिलता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। चले आगे, आगे चलो, आगे देखिए बच्चे, अब मैं अगला आपके पास यानी कि क्या लिखने वाला हूँ, अगला मैं मोनोसैकेराइड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। मेरे प्यारे बच्चे मोनोसैकेराइड तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन मोनोसैकेराइड्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया किसके बेसिस पर, तो मोनोसैकेराइड्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया बच्चे आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर, नंबर ऑफ कार्बन, है ना। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन में मेरे प्यारे बच्चे कुछ एग्जांपल है, जैसे मैं आपके पास यानी कि लिख रहा हूँ, पहला आपके पास यानी कि हम लोग बोलते हैं आपके पास ट्रायोस, क्या बोलते हैं बच्चे आपके पास यानी कि ट्रायोस। तो ट्रायोस के केस में क्या होता है बच्चे आपके पास, हम बोलते हैं कि यहाँ पे C3 होगा, यहाँ पर H आपके पास 6 होगा, O आपके पास क्या होगा 3। और इसका एग्जाम्पल बोला जाता है कि भाई इसका एग्जाम्पल आपके पास यानी कि सही बात है, एग्जाम्पल क्या है, तो हम बोलते हैं आपके पास यानी कि ग्लाइसर एल्डिहाइड एंड आपके पास यानी कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, है ना, पहला याद रखना। अच्छा दूसरा देखो आपके पास मेरे प्यारे बच्चे, दूसरा बोलते हैं हम लोग आपके पास यानी कि टेट्रोज, क्या बोलते हैं आपके पास यानी कि टेट्रोज। तो टेट्रोज में क्या है मेरे प्यारे बच्चे, सी फोर
एच आपके पास यानी कि एट और आपके पास यानी कि ओ आपके पास फोर। इसका एग्जांपल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे आपके पास एरिथ्रोज, नहीं एरिथ्रोज ऐसे नहीं लिखेंगे, एरिथ्रोज ऐसे एरिथ आपके पास यानी कि एरिथो रोज, ये रोज होता है एरिथ्रोज आपके पास, समझ पा रहे हैं एरिथ्रोज होता है। तीसरा मेरे प्यारे बच्चे हम लोग आपके पास यानी कि फिफ्थ वाला बोलते हैं कि भाई पांच होगा आपके पास यानी कि पेंटोज, ये तो बहुत कॉमन है पेंटोज वाला तो सबसे ज्यादा आपके पास यानी कि कॉमन है, तो मतलब आपके पास यहाँ पर टेन आपके पास और वो क्या कर दो फाइव कर दो है ना। और पेंटोज के अंदर बच्चे आपके पास यानी कि राइबोस डिऑक्सी राइबोस, तो यहाँ पर राइबोस डिऑक्सी राइबोस के बारे में लिख सकते हैं क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है आपके पास, तो यहाँ पर राइबोस एंड आपके पास यानी कि डिऑक्सी राइबोस है ना लिख सकते हैं। और चौथा मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि चौथा तो मोस्ट कॉमन है आपके पास यानी कि हिक्सोस, हिक्सोस है ना। तो हिक्सोस में क्या होता है बच्चे आपके पास सी सिक्स, एच आपके पास 12, ओ आपके पास यानी कि 6। तो यहाँ पर हिक्सोस के अंदर बच्चे आपके पास यानी कि जितने भी चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रुक्टोज हो चाहे आपके पास यानी कि गैलेक्टोज हो, तो यहाँ पर आपके पास मेरे प्यारे बच्चे ग्लूकोज फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज और आपके पास मेरे प्यारे बच्चे गैलेक्टोज है ना, ऐसे ध्यान रखना ठीक है। अच्छा अगला एक और है बच्चे आपके पास यानी कि हेप्टुलोज है ना, क्या बोलते हैं हम लोग है ना। तो हेप्टुलोज का मतलब मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि 7, एच आपके पास यानी कि 14, ओ आपके पास यानी कि 7। इसका एग्जांपल मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि हेप्टुलोज दे रखे हैं या हेप्टुलोज कहा जाता है, तो ये होता है। ये थोड़ा सा बच्चे ध्यान रखना कि भाई ऑन द बेसिस तो ट्रायोज है ना, ये बेसिकली बच्चे आपके पास यानी कि आप लोग जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो रेस्पिरेशन के अंदर जब आप लोग ग्लाइकोलाइसिस करेंगे ना मेरे प्यारे बच्चे ग्लूकोज का आपके पास स्प्लिटिंग करेंगे तो वहां पर आपको ग्लाइसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन वगैरह मिल जाएगा। तो वहां पर तो मेरे प्यारे बच्चे भी कोशिश करना कि भाई ये चीजें आपको पता हो, क्यों, क्योंकि टेट्रॉल वगैरह के बारे में तो शायद यहाँ नहीं पढ़ोगे आप लोग, एनसीईआरटी वगैरह में कहीं भी नहीं है जिक्र, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे एक इसके बारे में एक ये वाला आपके पास यानी कि ये आप लोग को याद रखना है क्योंकि इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे क्लास 11th और क्लास 12th के अंदर, इन दोनों के बारे में तो पढ़ोगे आप लोग, समझ पा रहे हो, और हिक्सोस के बारे में भी पढ़ोगे, समझ पा रहे हो। तो ये तो पढ़ोगे, बाकी दो नहीं पढ़ोगे, एक ये नहीं पढ़ोगे अभी और एक ये नहीं पढ़ोगे, बाकी ये तीनों तो पढ़ोगे ठीक है। तो ये किसके बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर याद रखेंगे। चले आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे एक चीज नोट करके आप लोग लिखना, अगला पेज ले लेते हैं, नोट करके आपके पास नोट, नोट में क्या लिखना है बच्चे आपके पास कि अभी आपने देखा बच्चे कि भाई हमारे पास यानी कि ट्रायोज टेट्राओज आपके पास यानी कि पेंटोज हिक्सोज और आपके पास यानी कि हेप्टुलोज, तो ये आपके पास यानी कि पांच है। इसमें से सबसे मोस्ट कॉमन कौन है आपके पास, मोस्ट कॉमन की बात करते हैं आपके पास यानी कि पेंटोस एंड हिक्सोस आर मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन अगर सबसे ज्यादा कोई कॉमन है इस पांचों में से तो एक पेंटोस और एक आपके पास यानी कि हिक्सोस है, समझ पा रहे हैं। तो हिक्सोस शुगर और पेंटोस शुगर आपके पास यानी कि सबसे मतलब ज्यादा आपके पास होता है क्योंकि इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा आपके पास इसी का है और यही बेसिकली आपके पास लगभग सारी चीजें मतलब हर चीज में आप लोग डीएनए वगैरह में क्या देखते हो, पेंटोस शुगर देखते हो है ना, और डीएनए हो गया आरएनए हो गया वहां पर पेंटोस शुगर देखते हो आपके पास, और हेक्सोज क्या है ग्लूकोज है फ्रुक्टोज है आपके पास यानी कि गैलेक्टोज है हेक्सोज शुगर है। तो कहने का मतलब इनका तो इम्पोर्टेंस आप लोग पढ़ते हो हर जगह पर देखते हो, पूरे प्लांट में भरा पड़ा है ना। आगे देखिए मेरे पहले बच्चे, और यहाँ पे आपके पास यानी कि कॉमन कुछ आपके पास यानी कि कॉमन हेक्सोज कॉमन हिक्सोसेस, तो कुछ कॉमन हिक्सोसेस में मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि जिसमें छह कार्बन होते हैं आपके पास, पहला हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि ग्लूकोज, क्या बोलते हैं ग्लूकोज। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे बोलते हैं आप लोग, हम लोग बोलते हैं आपके पास यानी कि फ्रुक्टोज, क्या बोलते हैं फ्रुक्टोज।
और तीसरा मेरे प्यारे बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं आपके पास, यानी कि गैलेक्टोज, क्या बोलते हैं गैलेक्टोज। अच्छा मुझे एक चीज बताना, ये जो आपके पास ग्लूकोज होता है वो किस में मिलते हैं भैया? ग्लूकोज होता है आपके पास वो प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर। तो ग्लूकोज आपके पास यानी कि इट इज प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल, ये तो दोनों में मिलेगा है ना आपको, दोनों के अंदर आपके पास यानी कि मिल रहा है। अच्छा फ्रुक्टोज बताओ, फ्रुक्टोज आपको किस में मिलेगा? तो फ्रुक्टोज जो होता है बच्चे आपके पास, ये जो शुगर होता है ये आपके पास यानी कि आपको फ्रूट के अंदर, फ्रूट इसके अलावा आपके पास यानी कि हनी, और इसके अलावा आपके पास नेक्टर, और आपके पास ह्यूमन, आपके पास ह्यूमन सीमेन के अंदर पाया जाता है ना, मतलब इसमें पाया जाता है। जैसे होता है ना बच्चे, जो अगर मान लो कोई लेडीज ये कहते हैं कि मेरा रेप हो रहा है, अब डॉक्टरों के पास ये पता लगाने का क्या होता है कि भाई ठीक है अगर उस लेडीज का रेप हुआ है तो उसके यूट्रस के अंदर आपके पास जरूर आपके पास फ्रुक्टोज प्रेजेंट होना चाहिए, तो वहां से फ्रुक्टो डिटेक्ट किया जाता है। अगर फ्रुक्टो डिटेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब वाकई उस लेडीज का रेप हुआ है, अदरवाइज नहीं। तो जो आपके पास यानी कि मेल होता है आपके पास यानी कि होमो सेपियंस में, मतलब बेसिकली ह्यूमन बीइंग के अंदर जो आपके पास यानी कि मेल होता है उसकी बॉडी के अंदर सीमेन के अंदर फ्रुक्टोज पाया जाता है, है ना। अच्छा ग्लैक्टोज वगैरह बच्चे, ये आपके पास यानी कि ग्लैक्टोज कहाँ मिलेगा आपको? तो ये आपके पास होता है मिल्क के अंदर, किसमें मिलेगा आपको? मिल्क के अंदर, है ना। तो ये बेसिकली बच्चे ये जो ग्लूकोज जो शुगर होता है वो प्लांट और एनिमल के अंदर, फ्रुक्टोज आपके पास फ्रूट हनी और नेक्टर, और आपके पास यानी कि ह्यूमन सीमेन के अंदर, और ग्लैक्टोज बेसिकली आपके पास यानी कि मिल्क आपके पास शुगर कहलाता है। ये याद रखेंगे पक्का, क्योंकि बच्चे यही है बायो मॉलिक्यूल, समझ पा रहे? तो आपको एक एक इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से कॉपी पे नोट डाउन करना है, ऐसे नहीं कि मैं नहीं कर रहे ठीक है, ऐसे नहीं करना है, लिखना है, याद करना है, बार बार कर लोगे हो जाएगा, कोई बड़ी चीजें नहीं है ठीक है, तो करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ पा रहे? यही है बायो मॉलिक्यूल्स। अच्छा आगे देखिए चलिए मेरे प्यारे बच्चे, इसके बाद बच्चे जब हम लोग बात करते हैं आपके पास यानी कि अगला जो इसका आपके पास यानी कि टॉपिक बचता है शायद मेरे ख्याल से वो डायग्राम वाला होगा, डायग्राम से रिलेटेड होगा आपके पास। तो यहाँ पे डायग्राम वाला सेक्शन बच्चे हम लोग, हो सकता है कि फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करवाऊंगा डायग्राम वगैरह सब, है ना, मैं क्लास यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ और बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कंटिन्यूशन में, मतलब डायग्राम फिर डाइसेक्रेट्स फिर आपके पास यानी कि पॉलीसेक्रेट्स, है ना, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा, मतलब कुछ ज्यादा लंबा चला जाएगा, है ना। तो फिलहाल इसको यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में जब भी होगा बच्चे आपके पास, इसके तीन लेक्चर्स होंगे तो आप लोग तीनों देखना, सारी चीजें लगभग क्लियर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, बाय गॉड मजा आ जाना चाहिए नीट के पेपर में, है ना। धुआं उड़ा देंगे इस बार, क्या उड़ा देंगे? धुआं उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, है ना। चलिए ठीक है।